नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग के साथ में जुड़ी हुई है। समाज के अंतिम तबके के लोगों की समस्या को अपना समान मानना, समाज को जो कमजोर वर्ग है उसके लिए सतत प्रयत्न करना, ये भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है। और इसीलिए जो वरिष्ठ नागरिक है, जो बुजुर्ग है, उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, हमें संस्कार दिए, नौकरी दी, हमको बड़ा किया, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का भारतीय जनता पार्टी के समर्थन कर रही है। और इसीलिए आज बिहार में करीबन 4,000 से ज़्यादा जाति का वितरण हुआ है। 8 प्रोग्राम लास्ट तीन दिन में हुए। कार्यक्रम है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम समय तक बिहार का दुनिया के साथ होने के बावजूद उनकी हर सेवा की, वही संस्कार हम सबने आए हैं और वही हम। मालवी की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मालवी की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मालवी की जनता को मालवी के लोग समस्या से हर साल हर वक्त हर मिनट जूझ रहे हैं। पानी, झटर, रोड, ट्रैफिक, स्कूल, हेल्थ, मार्केट, सब विषय नहीं रहा, हर चीज आपके जनता के भी मालवी के कांग्रेस के करते हैं। और इसको अगर इससे रहा है अपने अधिकारियों के बारे में रहना पड़ेगा, तभी उनको अच्छा प्रशासन जो मिलेगा, तभी ऐसा है कि हर साल की तरह विनोद शेलर की जो शाही प्रबोधन ट्रस्ट है, भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के सचिव महाराष्ट्र के प्रवक्ता विनोद शेलर जी लगातार मलाड वेस्ट में पिछले 7 सालों से छत्री वाटम सेंटर का कार्यक्रम दे रहे हैं। पिछले 3 साल जो कोरोना काल का था उसमें छत्री वाटम का कार्यक्रम रुक गया था, लेकिन उसमें लोगों को अनाज की जरूरत थी, सैनिटाइजर की जरूरत थी, मास्क की जरूरत थी और भी मदद करना था, तो उन्होंने बंद रखा था। फिर से 2023 से उन्होंने छत्री वाटम और सारे कार्यक्रम में जो मदद करने की है लोगों को मदद करने की वो चालू रखा। तो इस बार करीबन 4,000 के ऊपर छत्री वाटम का कार्यक्रम रखा था, उन्होंने टारगेट रखा था। जो आज यहाँ पर ये अंतिम कार्यक्रम है, 9 तारीख को सर जेपी स्कूल से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, जो विभिन्न पूरे मलाड वेस्ट में अलग अलग जगह में अलग अलग वार्ड में ये कार्यक्रम हुए और इसके माध्यम से करीबन 4,500 से भी ज़्यादा छाता वाटर सीनियर सिटीजन को, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बांटा गया और अच्छा छाता, बड़ा छाता, मजबूत छाता दिया गया है, ताकि वो सीनियर जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं वो इसका अच्छा उपयोग करें और सुरक्षित रहे, यही हमारा संदेश। सर जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? जनता को यही संदेश दे रहा हूँ कि हर पार्टी के राजनीतिक जो लोग हैं वो सेवा भाव अपने नेचर को, अपने जो अपने विचार को सेवा भाव रखे, सेवा भाव की अपने मंशा रखे और लोगों के अंदर अपने बूथ में अपने एरिया में सेवा भाव रखे, हमेशा लोगों की मदद करते जाए, उलझे नहीं एक दूसरे से और अच्छा काम करते जाए। इसमें सबकी भलाई है और जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये किया है, सबका साथ और सबका विकास भी करना जरूरी है। हम लोग सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं के साथ, हमारे आदरणीय गोपाल शेट्टी जी के साथ, विनोद शेलार जी के साथ, अरुण सिंह के साथ और सभी पदाधिकारी के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों की भलाई करते रहेंगे, यही हम लोग ने प्रण लिया है। थैंक यू। और उसके अध्यक्ष की उपस्थिति नहीं है, लेकिन हमारे सभी वार्ड के कार्यकर्ता सभी लोग लगे हुए हैं सेवा के काम में, सभी वार्ड के जितने भी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के और आजू बाजू के भी वार्ड के लोग, सब लोग मिलकर आके सेवा में लगे हुए हैं। कितने लोगों को छत्री वाटप की गई? आज यहाँ पे 500 से 600 लोगों को छत्री वाटप किया और विधानसभा में लगभग 5,000 लोगों को छत्री वाटप किया। जनता को क्या संदेश देना चाहोगे इस बारे में? जनता को संदेश देना चाहिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी सेवा के कार्य में आगे आती है, इसीलिए आने वाले भविष्य के लिए अपनी सेवा अच्छे लोगों से करवाने के लिए अच्छे लोगों को चुनकर लाए और मालवनी का विकास करें। थैंक यू।